हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ मोनिका कौर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है छोटे से मिनीशो हॉल के बारे में। पिछली बार जब मैं मिनीशो स्टोर गई थी तो वहां से मैंने दो चार सामान लिया था, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जितनी भी मैं वीडियोज बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आइटम मैंने मिनीशो से लिया वो है ये क्यूट सा आईलैश कलर, ये ग्रीन और पिंक कलर में। तो ये 260 का है, लेकिन 260 के हिसाब से ये ओके काम करता है, बहुत वाव काम तो नहीं करता, लेकिन हाँ काम चलाया जा सकता है। तो पहला आइटम आईलैश कलर। तो जो नेक्स्ट आइटम मैंने लिया है वो भी बहुत यूजफुल है, वो है ये कॉटन पैड का पैकेट। ये मल्टीपर्पज कॉटन पैड्स है, इसको आप आइस पैक की तरह यूज कर सकते हो, मेकअप रिमूव के लिए यूज कर सकते हो। तो ये 190 की है और इसमें 100 पीसेस हैं। इसमें अलग अलग साइज वहां पे अवेलेबल थे, ये है एक्स्ट्रा लार्ज साइज, एक मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, तो अगर आप वहां जाते हैं तो आपको ये आइटम जरूर लेना चाहिए, बहुत यूजफुल है। जो नेक्स्ट आइटम है बहुत ज्यादा यूजफुल और क्यूट है, वो है ये आइस पैड। इसको आप यहाँ से अपने हेड के अकॉर्डिंग टाइट और लूज भी कर सकते हैं। तो जो इसकी एक और खासियत है, इसके साथ ही जेल मास्क मिला है, इसको आप फ्रीजर में 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं, उसके बाद इसमें डाल के आइस पैक की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये मिनीशो से मैंने 190 में परचेज किया है। तो मिनीशो में आपको बहुत ज्यादा परफ्यूम और बॉडी स्प्रे के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं भी वहां से परफ्यूम लेना चाहती थी, लेकिन इसे स्मेल करने के बाद मैं और कुछ स्मेल नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे स्ट्रांग स्मेल से एलर्जी है। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी स्मेल अच्छी है और मेरे घर पे सब लोग स्ट्रांग परफ्यूम ही यूज करते हैं, तो ये मैंने अपने घर वालों के लिए ले लिया। ये है 190 का बॉडी स्प्रे वनीला आइस। तो जो नेक्स्ट आइटम मैंने मिनीशो से लिया है वो है ये फेस शीट मास्क। तो ये 50 रुपीस का है और एक ये 60 रुपीस का है। ये 50 रुपीस वाला है लेवेंडर स्किन रिफाइनिंग मास्क और ये 60 रुपीस वाला है रोज मैरी बैलेंसिंग मास्क। तो ये मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। गार्नियर का एक बार मैंने लिया था, वो ऐसे पड़ा हुआ है, वो मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इन्हें मैं यूज़ करके इनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी कि ये यूज़फुल है भी या नहीं। वैसे फेस शीट मास्क जो है वो 80-90 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर ये यूज़फुल हुए तो ये 50 और 60 रुपीज़ में काफ़ी अफोर्डेबल है। तो ये 50-60 रुपीज़ के मिनीशो शीट मास्क। अगर आपने मेरा मिनीशो स्टोर का वीडियो देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि पर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा कलर थे और बहुत ज़्यादा क्यूट पर्स थे, लेकिन उनकी प्राइस के हिसाब से उनकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो एक वॉलेट मेरी सिस्टर ने भी वहाँ से लिया है, ये ब्लैक कलर का वॉलेट है और इसमें कार्ड होल्डर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, पर मनी के लिए कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है और ये 500 का है। तो 500 के हिसाब से मुझे ये वॉलेट इतना अच्छा नहीं लगा। नो डाउट क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, लेकिन ये 300 तक का या फिर 250 तक का होता तो ये वर्थ इट था, लेकिन 500 इसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो मिनीशो से जो भी मैंने सामान खरीदा वो मुझे यूज़फुल लगा, सिर्फ इस वॉलेट के अलावा इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, बस इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।